दोस्तों जैसा मैं ट्रिप सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। आज हल्की फुल्की बारिश है लेकिन हो रही है, तो हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। और अभी 2 बज गए हैं दोपहर के, और अब देखते हैं कि हम थोड़ी बहुत जगह कोई साइट सीन कर पाए, वरना फिर सीधा काठमांडू निकलेंगे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। यू म्यूजिक मैं ऐसा कमरा मिला था और अभी ऐसा हाल हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी करेंसी नेपाल से ज्यादा है, लेकिन तब भी यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। यहाँ की करेंसी मिला के भी डबल रेट है हमारे इंडिया से हर कुछ। तो नेपाल को सस्ता समझने की कोशिश मत करना। पर हम दोबारा यहीं पे आ गए हैं, वो हिसाब हो रहा है। हरियाणा वाले नेपाल वाले का सिस्टम नहीं कर दिया, हमें लूटने की कोशिश की। हम एक लेक के पास आए, आगे का माहौल दिखाऊंगा तो सेट हो जाओगे। क्या बात हो गई? लाइफ जैकेट। तो अब हम छत वाली बोट ले रहे हैं क्योंकि इस वाली बोट में तो भीग जाएंगे। और फिर लाइफ जैकेट पहनकर तैयार होकर बोट पे चढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम उतर जाते हैं। तो यहीं पे हमारी बोट राइड खत्म होती है। बारिश की वजह से हम कहीं और घूमने नहीं जा सकते। खाना खाने आए हैं हम किसी होटल में। दोस्तों बारिश तो नहीं रुक पाई है, तो पोखरा में ही एक और रात रुकने का सोचते हैं। फिर होटल लेके रात को नेपाल की नाइट लाइफ देखने के लिए जाते हैं। तो अभी हम नेपाल की नाइट लाइफ देखने जा रहे हैं, लेकिन बारिश अभी भी हल्की फुल्की आ ही रही थी। पर फिर भी हम करेंसी एक्सचेंज करा के पहुँचते हैं नाइट लाइफ वाली जगह पे, पर वहाँ बारिश की वजह से कुछ खास मजा नहीं आया। हम रात को गोलगप्पे खाने आए हैं, और उन्होंने गोलगप्पे कैसे दिया, ये दिया अलग से पानी। तो गोलगप्पे खा के वापस होटल में आ जाते हैं। उठ गए सब भाई, उठ जाओ, 4:30 हो गए, 2 मिनट टाइम है, मैं तो आ रहा हूँ से। अब तो आया था ना पहले उठाने, एक बजे आ चुका मैं सेकंड राउंड है, और सेकंड राउंड और नहीं होती है, सीधा जजमेंट होती है। अब मैं कल आ रहा हूँ उठा के, और सुबह 4 बजे धामा बोल दिया, सब पे उठा दिया सबको, यहाँ से निकलते हैं काठमांडू। तो अभी हम काठमांडू जा रहे थे पोखरा से, और जाम में फंस चुके हैं। आगे लैंडस्लाइड हो गई थी, पत्थर गिर रहे थे, बारिश का माहौल चल रहा है। कल पूरे दिन बारिश आई थी, आज तो नहीं है लेकिन कल पूरे दिन बारिश। ये जाना कहीं क्यों उतर का एक बड़ी उतर। अरे बैठ जा, 2 मिनट की बात है, आगे धो लियो। यू बैठ जा रहा हूं इनमें। तो हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई थी, और दीपू धक्का लगाने के लिए नीचे उतरता है, पर टायर ने मुंह पे कीचड़ फेंक के मारा। दीपू इधर नाली के पास जा रहा है, पैर डाल ले। फिर वहीं थोड़े आगे जाके ढाबे पे सब्जी और ब्रेड का ब्रंच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मंदिर के पास आए हैं हम, और अभी हम एक केबल कार पता करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि टाइम की कमी है हम पे। पोखरा से काठमांडू तक का पूरा रास्ता सीनिक व्यू से भरा है, और ये हम नेपाल के कैपिटल काठमांडू पहुँच गए। तो हम सब तैयार होकर अभी दर्शन करने जा रहे हैं, गाड़ी में कपड़े चेंज करें हैं, और बाकी अंदर का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और फिर प्रसाद लेके मंदिर के अंदर जाते हैं। आज सावन का सोमवार बीता, तो महादेव के दरबार पर भीड़ तो होनी थी। आधे घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आता है, और अंदर कैमरा तो अलाउड था नहीं। पूजा हो गई हमारी। भाई साहब रात के 2 बजे खाना खा रहे हैं हम, मुश्किल से एक ढाबा मिला है, तो उसी में कुछ खाएंगे पियेंगे। पर इस जगह पे लोग अच्छे नहीं थे, तो हम यहाँ भी नहीं खाते हैं। अंधेरी रात में पेट्रोल पोज करते हुए देख ले यार, जो बने तू देख लियो अपना। पर इतना तेल भी नहीं है कि हम बॉर्डर तक पहुंच सकें। पर जैसे तैसे पेट्रोल का इंतजाम कर इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। आज 15 अगस्त भी है। गांव में जगह जगह पे फ्लैग होस्टिंग भी हो रही थी, और जैसे कि मैंने जाते समय बोला था कि नेपाल से आते वक्त राम मंदिर भी जाएंगे, और हम जा भी रहे हैं। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। राम मंदिर अभी पूरा बन के तैयार नहीं है, और फिर फोन को लॉकर में रखकर राम जी के दर्शन करने जाते हैं।
ये ट्रिप टाइम न होने की वजह से थोड़ी हैक्टिक हो गई थी और मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।